दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखनी है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। शुक्रिया। वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा लाइटरूम में कैसे पिक को एडिट करते हैं, लाइटरूम में प्रीसेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस प्रीसेट को गूगल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें मैंने लाइटरूम में ऐड करके रखी हैं, आपने भी इस तरह ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल पिक को ओपन करूँगा और यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेंगे, इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट कम कर लिया, हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया, शेडो को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, वाइटनेस काफ़ी है इतनी, इसको कुछ नहीं करना। आपने अपनी पिक के मुताबिक, जिस तरह आपकी पिक को मतलब छाँव में हो तो उसके मुताबिक आपने हाईलाइट्स को बढ़ा लेना है, कम कर लेना है, उसके बाद ब्लैकनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना। देखें पिक में कितनी चेंजिंग आ चुकी है। उसके बाद आपने इस कलर वाले ऑप्शन पे आना है। आने के बाद यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है ग्रीन और येलो, इस पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा सेट कर लेना है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड को बढ़ा दूँगा, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। यहाँ पे देखें जो ड्रेस का कलर है वो देखें कितना प्यारा लग रहा है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगा और इसके बाद इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। उसके बाद थोड़ा सा फेस को वाइट कर लेंगे, यहाँ वाले ऑप्शन पे आ जाना है आपने फेस को वाइट करने के लिए, इसे काम कर लेंगे। उसके बाद आपने ये ब्लू कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाँ बस इतना रख लेंगे। ये सारी सेटिंग आपने कर लेनी है, उसके बाद इसको डन कर देंगे। उसके बाद आपने फ़िल्टर किस तरह यूज़ करना है, सबसे पहले यहाँ पे चले जाना है और ये जो फ़िल्टर खड़ा है ये वाला प्रीसेट, यहाँ पे गौर करना दोस्तों। मैं इस प्रीसेट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ये जो थ्री डॉट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है कॉपी सेटिंग पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं चढ़नी, आपने यहाँ यस पे क्लिक कर देना है। यस, ये देखिए ये सेटिंग कॉपी हो चुकी है। उसके बाद आपने बैक चले आना है, बैग चले आने के बाद फिर जो हमने पिक की सेटिंग की थी उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग होगी, यहाँ ओपन करने के बाद फिर डॉट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ना पेस्ट सेटिंग, ये देखें दोस्तों पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। देखें दोस्तों कितना फ़र्क आ चुका है, मतलब पहले किस तरह पिक थी अब किस तरह है। इसको थोड़ी बहुत और सेटिंग, बैकग्राउंड को अच्छा बनाने के लिए आपने फिर से कलर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपने ये जो आपका बैकग्राउंड का कलर है इसको मैं मैं इसको इस तरह कर दूंगा बिल्कुल, मतलब देखें दोस्तों कितना फ़र्क आ चुका है। तो ये था एक स्टेप, दूसरा स्टेप स्मूथ का मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। और जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।